राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी प्रमुख दलों की ओर से चुनावी अभियान तेज कर दिया गया है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। मारवाड़ क्षेत्र के पाली जिले में सोजत विधानसभा क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सांचौर विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे सोजत विधानसभा सीट की। सोजत विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की ओर से निरंजन आर्य को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से शोभा चौहान मैदान में उतरी है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 2,45,000 वोटर्स है। वही अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सिरवी समाज के 80,996 वोटर्स है, राजपूत समाज के 19,926 वोटर्स है, धांची समाज के 15,498 वोटर्स है और माली समाज के 13,284 वोटर्स है। 2018 के चुनाव की बात करें तो उस समय यहाँ पर 2,22,779 मतदाता थे। सोजत विधानसभा सीट के चुनावी परिणाम को देखें तो यहाँ पर दो शोभा के बीच मुकाबला रहा है। बीजेपी की शोभा चौहान को 80,645 वोट मिले तो कांग्रेस की शोभा सोलंकी के खाते में 48,247 वोट आए। शोभा चौहान ने बेहद आसान मुकाबले में 32,398 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इसी तरह 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजना आगरी ने 74,595 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर संगीता आर्या को 53,839 वोट मिले थे और इस दौरान वो 20,756 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रह गई। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सोजत सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 1990 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में 5 बार बीजेपी को जीत मिली, तो वही 2 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। बता दें 2003 के बाद से ही यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।